नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज़। मैं मनोज खंडेलवाल और आज हम मौजूद हैं मंडावर के पाखर रोड पर और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जलदाय विभाग के द्वारा पाइपलाइन जो डाली हुई है और उसमें जो लगाए गए वाल्व हैं उनमें से काफ़ी समय से पानी निकलता है, बहता है और लीक करता है। इस दौरान हजारों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ जाता है। इसके संबंध में आम जनता ने और कॉलोनी वासियों ने कई बार अधिकारियों को इस संबंध में अवगत कराया है और जो कि लाइनमैन है उनको भी अवगत कराया है, अधिकारियों को भी अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो है अधिकारियों के और पदाधिकारियों कर के कानों पर जू नहीं रेंगती है और जिसका हाल आप देख रहे हैं कि देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार बताएं। ये जो वाल्व लगा हुआ है और इसमें से पानी जो आ रहा है रोजाना लीक करता है, सैकड़ों लीटर पानी व्यर्थ बह जाता है और इस तपती गर्मी में जहाँ एक ओर पानी मिल नहीं रहा है पीने के लिए भी, वहाँ दूसरी तरफ जलदाय विभाग की लापरवाही के कारण यहाँ मंडावर में सैकड़ों लीटर पानी रोजाना व्यर्थ बह जाता है। इसी संबंध में यहाँ रहने वाले मौजूद हैं, हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे इस संबंध में जानना चाहेंगे। तो आपका नाम? प्रमोद जैन। पानी बह रहा है ना? प्रमोद जी, यह पानी कितने समय से यहाँ बह रहा है और इसके बारे में आप जलदाय विभाग से क्या डिमांड करना चाह रहे हैं? 2 महीने हो गए वाल्व बंद गई है, पानी बहता है, ऑफिस पब्लिक पास पानी पहुँचता नहीं है, जरूर फैला पड़ा है, आने वाले भी परेशान हो गए। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपका नाम? अब्दुल शरीफ है मेरा नाम। आप इस पानी को जो वाल्व लीक है इसके संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? आने जाने वाले को छींट लगते हैं, कपड़े खराब होते हैं, नमाज पढ़ने वाले को भी छींट लगते हैं, इस बारे में जल्दी जल्दी ठीक कराया जाए। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ इस वाल्व जो लीक कर रहा है इसके सामने ही यहाँ क्षेत्र की इकलौती जो मस्जिद है वहाँ पर जाने का रास्ता है, मुख्य दरवाजा भी है, जहाँ आने जाने वाले को साधनों से छींटे भी लगने का डर रहता है रोजाना, और यहाँ जो दुकानें हैं, राहगीर हैं, उनको सभी को छींटे लगते हैं। और इस संबंध में हमने कि जो जयन साहब हैं उनसे भी वार्ता की थी तो उन्होंने हमें 5-7 दिन का समय दिया था, लेकिन उस वार्तालाप को भी करीबन आज 15 से 20 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जस का तस है मामला और बाल्ब का कोई निराकरण या उतारना या उसको बदलने की कार्यवाही जय के विभाग के द्वारा नहीं की गई है। खबर के हमारे मैं शासन प्रशासन और जलदाय विभाग से मांग करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द इस खबर के माध्यम से इस परेशानी का जवाब दिलाई जाए और इसका निर्णय किया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। मैं मनोज खंडेलवाल। ¿Qué tal?